Assalamualaikum students. In Pakistan, for lecture series, today we are going to discuss about Pakistan's relationship with neighbors, excluding India. Other than India, Pakistan का different neighboring countries के साथ क्या diplomatic relationships है? आज हम उसे देखेंगे यहाँ पर. अगर Pakistan के relationship को देखा जाए, उसके neighbors के साथ India के अलावा, तो ये complex और काफी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि multifaceted relationship है Pakistan का. अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को शेयर करता है, इसके साथ साथ जो कल्चरल एथनिक टाइज हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंड अप हो गए. उसमें टेंशन्स क्रिएट हो गई थी ड्यू टू जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहे दोनों कंट्रीज के दरमियान में, टेररिज्म कंसर्न रहा और डिफरेंट व्यूज रहे तालिबान के पाकिस्तान के. इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सपोर्ट थी यूएस लेड की तरफ, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने जो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई यूएसए के साथ, तो इन चीजों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंड अप कर दिया. पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ सीपैक के थ्रू, जो पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन एससीओ, पाकिस्तान के जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ जो एक हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल टाइज है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, कार्स के साथ एनर्जी कॉपरेशन है, ट्रेड ट्रांसिट ट्रेड है, उसके जो डिफरेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, रीजनल राइवलरीज, ये तमाम चीजें जो है वो एक्चुअली में नेविगेट कर रही है कॉम्प्लेक्सिटीज को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में. और इसके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका सारा फोकस जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड की तरफ है, और स्ट्रेंथन करने के लिए जो डिफरेंट डिफेंस कॉपरेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, कल्चरल एक्सचेंज है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है दूसरे पावर्स के साथ, अपने नेबरिंग्स के साथ साथ जो यूएस और चाइना सऊदी अरेबिया डिफरेंट जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान को अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना है, और इन कंट्रीज के साथ भी अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपना जो रिलेशनशिप है उसे पाकिस्तान में जो है वो कायम रखना है. क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मोटिव है वो यही है कि उसका जो नेबरहुड है वो काफी वो स्टेबिलाइज रहे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रहे और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर है. तो ये तमाम चीजें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा बाकी जो पाकिस्तान के नेबर्स में आ रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप कैसा है, उसकी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी एंड कंट्रीज के साथ वो किस तरीके से बिल्डअप हो रही है और पाकिस्तान उनके साथ किस तरीके से अलाइन अप हो रहा है, ये इसमें पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये इसमें पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल इन दिस टॉपिक. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एज आई डिस्कस, पाकिस्तान सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इसका जो रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के अलावा, ये तमाम चीजें आपको अपने इस पेपर के लिए एक्टिवली रिलेशनशिप पाकिस्तान का स्टडी करना पड़ेगा इन तमाम कंट्रीज के साथ. अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ अगर रिलेशनशिप देखा जाए हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट, सभ्यता है जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, अफगानिस्तान की लोकेशन है, एक की प्लेयर बनाती है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, उसको ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट है, जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है ड्यूरेंट लाइन के ऊपर वो अफेक्ट कर रहा है बॉर्डर रिलेशंस को, सिक्योरिटी को. ये जो ड्यूरेंट लाइन अगर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं. ये ऑलमोस्ट ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में 1893 में तकरीबन ये जो है वो क्रिएट हुआ था. अब ये एक्चुअली में क्या करता है, ये खैबर पख्तूनख्वा को, केपीके और बलूचिस्तान प्रोविंसेस को जो है वो सेपरेट कर देता है अफगानिस्तान से, ठीक है. लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो एक लेजिटिमेसी सामने आती है कि वो इस बॉर्डर लाइन को, इस बॉर्डर को रिफ्यूज करते हैं मानने से, और उनके ख्याल से एक जैसे आर्टिफिशियल बाउंड्री लाइन है कॉलोनियल पावर्स की तरफ से दोनों एरियाज को जो है वो सेपरेट करने के लिए. और इसके साथ साथ अफगानिस्तान का जो कुछ टेरिटोरियल क्लेम्स भी है कि अकॉर्डिंग टू देम दोस पख्तून रीजन आर एक्चुअली बिलोंग टू देम, और जो एक पश्तून डोमिनेटेड एरियाज हैं उनके ऊपर अफगानिस्तान का जो है वो काफी ज्यादा क्लेम है कि ये एरियाज हमारी टेरिटरी में जो है वो इंक्लूड होते हैं. बॉर्डर कंट्रोल वगैरह की बात की जाए तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये फेंसिंग है, उसे अफगानिस्तान अपोज करता है. तो जो ड्यूरेंट लाइन का डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मेंटेन है, और ये काफी हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है लेकिन ये तो अब तक कायम है, और ये जो बॉर्डर रिलेशन है और सिक्योरिटी है उस चीज को, ये चीज जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है. अब अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, पीस टॉक्स में पाकिस्तान हैज फैसिलिटेटेड पीस टॉक्स बिटवीन अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, नोटेबली द दोहा एग्रीमेंट, जो कि प्रीवियस एक टॉपिक में हमने भी फॉरेन पॉलिसी में डिस्कस किया दोहा एग्रीमेंट को. यूएसए एंड अफगानिस्तान के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी को,
तो पीस टॉक्स है, ये पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है कि पाकिस्तान का जो है वो यूएस के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था। तो इस चीज ने फैसिलिटेट किया पीस टॉक्स को अफगानिस्तान अफगान गवर्नमेंट तालिबान के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में। तो ये एग्रीमेंट जो कतर में हुआ था 29 फरवरी 2020, इसमें काफी ज्यादा रोल पाकिस्तान ने अपना प्ले किया। इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर बात करें, जो एफर्ट्स थी डिफरेंट ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा जो है, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ से काफी जो है एक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में इसने काफी हेल्प आउट किया। चैलेंजेस का सामना देखा जाए तो जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, परसिस्टेंट इशू जो ड्यूरेंट लाइन का है, वो एक चैलेंज है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। इसके साथ साथ जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, जो इम्पैक्ट है अफगान रिफ्यूजीज का और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स का, वो चीज भी पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा एक मसला बनी हुई है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का शिकार जो पाकिस्तान हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, तालिबान टेक ओवर 2021 में जो यूएस आर्मी था उसका कंप्लीटली विड्रॉल हुआ और तालिबान ने दोबारा से 2021 में टेक ओवर कर लिया। तो अब इनकी जो रिटर्न टू पावर था उसने काफी ज्यादा डायनेमिक्स को शिफ्ट कर दिया और जो इम्प्लीकेशन थे सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के वो भी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया और तालिबान का जो टेक ओवर है उसने काफी डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंट्स की रीजन के अंदर। पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर रिलेशनशिप देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉपरेशन, सीपैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसने एनहेंस किया कनेक्टिविटी को, इकोनॉमिक टाइज को और इन्वॉल्व हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ट्रेड डेवलपमेंट में, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कायम है। मिलिट्री कोलैबोरेशन की अगर बात की जाए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान आर्मी के पास भी मौजूद है, जो चाइना की तरफ से प्रोवाइड की गई प्रोविजन काफी अच्छा रहा इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का। तो ये चीजें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करने में पाकिस्तान का चाइना के साथ काफी हेल्पफुल है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को अगर हम देखें तो हाई लेवल विजिट्स, फ्रीक्वेंट हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों के कंट्रीज के जो हाई अथॉरिटीज हैं, ये जो नुमाइंदगान हैं, जो आला नुमाइंदगी है, उनका आपस में काफी फ्रीक्वेंटली विजिट्स रहते हैं। चाइनीज जो हाई लेवल विजिट्स हैं चाइनीज लीडर्स के पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के चाइना के, तो ये एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीज हाई लेवल विजिट्स। स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स को अगर देखें तो जो रेगुलर स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हैं दोनों कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशनशिप और कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड हो रही हैं इसका सिग्निफिकेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एनर्जी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इससे काफी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ट्रेड रिलेशंस की अगर बात करें, जो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम है, चाइना बीइंग वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट और हेल्प फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं वो चाइना के साथ बेहतरीन है। रीजनल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, जियो पॉलिटिकल बैलेंस, चाइना सपोर्ट हेल्प्स पाकिस्तान बैलेंस इट्स रीजनल रिलेशनशिप्स एंड काउंटर बैलेंस इंडिया इन्फ्लुएंस। जियो पॉलिटिकल बैलेंस है, चाइना की सपोर्ट जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत एक बैलेंसिंग सपोर्ट मौजूद है, ये पाकिस्तान की जो रीजनल रिलेशनशिप है और काउंटर बैलेंस है इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर, इसमें पाकिस्तान को काफी हेल्प आउट करता है कि पाकिस्तान जो कंप्लीटली अंडर इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है इंडिया के, बल्कि एक काउंटर बैलेंसिंग सिचुएशन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान को मिली हुई है। चैलेंजेस को अगर हम देखें तो डिफरेंट जो डेप्ट कंसर्न्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ लोन्स अंडर सीपैक, अब सीपैक के अंदर पाकिस्तान को जो काफी जो हाई डेप्ट पे करनी है, जो रिपेमेंट है लोन्स वगैरह की, ये चीज पाकिस्तान के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है। रीजनल कॉम्पिटिशन की बात की जाए, बैलेंसिंग रिलेशन विद चाइना एमिड्स रीजनल एंड ग्लोबल जो पॉलिटिकल शिफ्ट, रीजनल कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है बैलेंस करने के लिए जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान का, वो भी एक इंपॉर्टेंस का हामिल है और काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और ईरान की अगर हम बात करें तो बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक और एनर्जी कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के दरमियान, इकोनॉमिक टाइज हैं, ठीक है जी, जो ट्रेड एनर्जी में पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन और ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एफर्ट्स हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन रीजनल कनेक्टिविटी को एनहांस करने की वो भी मौजूद है। लेकिन सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कुछ स्मगलिंग और मिलिटेंसी वगैरह की वजह से पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में थोड़ी सी एक जो है वो सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है पाकिस्तान को, ठीक है जी। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की अगर बात की जाए,
रीजनल कोलैबोरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं, कॉपरेशन है रीजनल इश्यूज के ऊपर, जैसे अफगानिस्तान और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान और ईरान का जो आपस में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, हाई लेवल एक्सचेंज की बात की जाए, जो रेगुलर मीटिंग्स हैं डिफरेंट एक्सचेंज पाकिस्तान लीडर्स के दरमियान में, वो बायलैटरल और रीजनल कंसर्न्स में डिस्कशन जो है वो इनकी एक रीजनल कोलैबोरेशन में अहम रोल प्ले करती है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए, जो सैंक्शंस और इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन ईरान एंड हाउ अफेक्ट बायलैटरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एंड कोऑपरेशन, डिफरेंट जो सैंक्शंस की गई रिसेंट डेवलपमेंट में, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बायलैटरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं या कॉपरेशन हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप को, इन चीजों को हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में अपने इनको प्रॉपरली जो है वो अप्लाई करना है। अब अगर पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का अगर देखें हम रिलेशनशिप कैसा है, किस तरीके से ये आगे चल रहा है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सबसे पहले जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक टाइज। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक टाइज में ट्रेड और एनर्जी रूट्स हैं सेंट्रल एशिया के जो सिग्निफिकेंस है ट्रेड रूट्स और एनर्जी रिसोर्स के लिहाज से, एक इसकी एक जियोग्राफिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। रीजनल कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो एफर्ट्स जो एनहेंस किए जा रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह टापी का है, टापी पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, तो ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बिल्डअप कर रही हैं और इसका एक जो सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले हो रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें तो डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कॉपरेशन इनिशिएटिव हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, प्रमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या कर रही है कि ये जो ट्रेड रूट है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है पाकिस्तान के और डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। रीजनल फोरम्स की अगर बात की जाए तो पार्टिसिपेशन है रीजनल फोरम्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो ये एक्चुअली में कॉपरेशन इंटीग्रेशन को बढ़ाती है। चैलेंजेस का किनका सामना करना पड़ रहा है इसमें, तो चैलेंजेस के क्या है कि मैनेजिंग रिलेशनशिप्स अमिडस्ट जियोपॉलिटिकल राइवलरीज इन्वॉल्विंग मेजर पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना। जो रिलेशनशिप है जियोपॉलिटिकल राइवलरीज के साथ जो मेजर एक जो सुपर पावर्स के तौर पर जानी जाती हैं जैसे रशिया और चाइना वगैरह, इनके साथ अपना रिलेशनशिप एक जो पॉलिटिकल राइवलरीज को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रखना ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, जिससे जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, इनकी आपस में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना और इनकी कनेक्टिविटी क्रिएट करना, ये तमाम चीजें पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन में आ रही है। पाकिस्तान का गल्फ स्टेट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक टाइज पाकिस्तान के बिल्डअप है, इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के पास, ठीक है जी, जो गल्फ इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान की रियल इस्टेट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। जो इकोनॉमिक टाइज हैं जैसे डिफरेंट जो ट्रेड रिलेशंस हैं गल्फ स्टेट्स के साथ, पर्टिकुलरली जो ऑयल और गैस सेक्टर्स है जो मुस्लिम कंट्रीज के पास प्रेजेंट गल्फ स्टेट्स के पास जो है वो मौजूद है, तो ये चीज इकोनॉमिक टाइज को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप कर रही है। लेबर माइग्रेशन की अगर बात की जाए पाकिस्तान जिस डायस्पोरा, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पाकिस्तानी डायस्पोरा इन गल्फ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू रेमिटेंस एंड इकोनॉमिक टाइज। पाकिस्तान का एक बड़ा काफी जो आवाम है, काफी लोग जो है पाकिस्तान के सिविलियंस जो है वो गल्फ कंट्रीज में मौजूद है, वहां पर काम कर रहे हैं, उधर उस कंट्री को इकोनॉमिकली बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये जो रेमिटेंस में कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक टाइज में, ये भी एक्चुअली में एक लेबर माइग्रेशन जो हो रही है, ये भी दोनों कंट्रीज के टाइज को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात करें, सिक्योरिटी कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म में कोलैबोरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज में पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है काउंटर टेररिज्म में, डिफेंस रिलेशनशिप पाकिस्तान का गल्फ स्टेट्स के साथ उनका जो कॉपरेशन है, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो एक डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्डअप कर रही है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो पॉलिटिकल शिफ्ट्स, नेविगेटिंग रिलेशनशिप्स अमंग शिफ्टिंग अलायंस एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग टेंशन्स विद ईरान एंड द बॉर्डर मिडिल ईस्ट डायनेमिक्स, जो पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर्स के साथ, जो थोड़ा सा कुछ इश्यू क्रिएट हुआ, जो टेंशन है पाकिस्तान ईरान के दरमियान में, और इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का बायस बन रही है और ये जो अलायंसेस है वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर हम इसका कंक्लूजन की बात करें, पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ, इंडिया के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज के साथ,
तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है कि ये पाकिस्तान को जो है वो एक इसको कैरेक्टराइज कर रहा है उसकी मिक्स स्ट्रेटेजी क्या इकोनॉमिक या सिक्योरिटी कंसीडरेशंस को, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की एक्चुअली में जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान जो कंट्री है उसकी रीजनल कनेक्टिविटी को और उसकी ट्रेड को स्ट्रेंथन अप करना है, उसके डिफेंस कॉपरेशन को, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को, कल्चरल एक्सचेंज और डिफरेंट रिलेशन जो है जो यूएस चाइना सऊदी अरब इनके साथ उनको मेंटेन रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें पाकिस्तान का जो है वो रिलेशनशिप किस तरीके से किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए या इन कंट्रीज के साथ क्या क्रूशियल रोल है जो पाकिस्तान की रीजनल इन्फ्लुएंस को शेप कर रहे हैं, दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज क्या पाकिस्तान को मिल रही हैं या किन चैलेंजेस को पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, तो इन तमाम कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो आपको हिस्टोरिकली और ब्रीफली स्टडी करना होगा ताकि आप अपने आंसर को अपने क्वेश्चन के ऊपर विद अथेंटिक रीजंस विद अथेंटिक एक बल्क ऑफ नॉलेज के साथ अपने आंसर को जो आप प्रेजेंट कर सको। तो जी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।